आपका अपना चैनल इंडिया A1 न्यूज़, जो रखे आपको A1। और हमने पहले ही दिन से, जिस दिन इनकी मांग आई भी, उसी दिन से ही भारतीय कुश्ती संघ को नोटिस दे दिया था 72 घंटे में अपना जवाब दे, और ये उस दिन भी सुनिश्चित किया था कि खिलाड़ियों की उचित मांगों पर जो आरोप भी लगे हैं उस पर जवाब भी मांगा जाएगा और आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। जो मांगे यहाँ पर रखी गई उस पर सब ने आम सहमति बनाते हुए तय किया है कि एक ओवरसाइट कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसके नामों की घोषणा कल कर दी जाएगी। अगले 4 हफ्तों के अंदर अपनी जांच को पूरा करेंगे। जो भी गंभीर आरोप किसी भी तरह के, चाहे फाइनेंशियल हो, सेक्सुअल हरासमेंट के हो या बाकी हो, जो भी कहेंगे इनके सब की गहराई तक जाएंगे, जांच भी करेंगे, और जो निर्णय बाकी करने की आवश्यकता होगी वो भी करने का काम करेंगे। उन्होंने जो खिलाड़ियों की जो हमारी बात थी, जो आवाज़ थी, वो सुनी है और एक निर्णय लिया है कि भैया हम एक कमेटी गठित करेंगे जो आपको एक महीने में उसका रिजल्ट देगी। तो हमने पूरा विश्वास है कि इसमें निष्पक्ष जांच होगी, और जो खिलाड़ियों की सुरक्षा की बात है, चाहे वो किसी तरह की बात है, कि वो मंत्री जी ने बोला कि वो हमारी जिम्मेवारी है, क्योंकि पहले भी कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष की तरफ से खिलाड़ियों को धमकी मिली है। तो सभी खिलाड़ी भी यही थे कि भाई हमने आवाज़ उठाई है और उससे डरे हुए थे उस चीज़ से। तो सभी को समझाया भी है, मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि हम आपके साथ हर कदम पे साथ खड़े हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी जितना भी खिलाड़ियों का सपोर्ट किया है पिछले साल, आप सभी ने देखा जो पिछले साल जितने भी कंपटीशन हुए हैं, ओलंपिक, एशियन गेम्स जो पीछे साल गए उनमें, तो हमारा खेल काफ़ी ऊपर गया है। हम भी नहीं चाहते थे कि ये प्रोटेस्ट करें, पर हमारी भी मजबूरी थी कि भाई इतना पानी सर से ऊपर चला गया था कि हमें ये कदम उठाना पड़ा, क्योंकि हमारा भी ये साल बहुत ज़रूरी साल है, 2023 एशियन गेम्स है, ओलंपिक क्वालिफाई है, तो उसकी तैयारी करनी है। तो अभी मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि कुश्ती संघ को साइड करके जो कमेटी गठित होगी वही उसका निर्णय लेगी। तो मैं आपका धन्यवाद देता हूं मंत्री जी, हम सभी खिलाड़ियों की तरफ से, और हमें उम्मीद है कि इसमें आप हमेशा खिलाड़ियों के साथ खड़े रहेंगे, हमेशा उनकी जो जांच में जो 100% अच्छे से उसकी जांच करवाएंगे, निष्पक्ष जांच होगी उसकी। और आप सभी मीडिया कर्मियों का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि आप सब ने हमारा 3 दिन जितना साथ दिया, क्योंकि आपके सहयोग की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तो यही है कि हम अभी खिलाड़ी प्रोटेस्ट को बंद कर रहे हैं, क्योंकि हमें सरकार ने आश्वासन दिया कि आपके साथ न्याय होगा।